हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पोस्ट ऑफिस की उन अलग अलग स्कीम्स के बारे में जिन पर पोस्ट ऑफिस काफ़ी अच्छा रिटर्न दे रहा है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो पर लाइक और कमेंट ज़रूर करना, और अगर आप हमारे चैनल AK डिजिटल इन्फो को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। तो वीडियो को शुरू करते हैं। हर व्यक्ति अपनी कमाई का एक हिस्सा सेविंग के लिए ज़रूर रखता है। वैसे तो मार्केट में निवेश के कई ऑप्शन मौजूद हैं, लेकिन आज भी देश की एक बड़ी आबादी है जो सरकार समर्पित स्कीमों में निवेश करना पसंद करती है। पोस्ट ऑफिस देश के करोड़ों लोगों के लिए समय समय पर कई सेविंग स्कीम लेकर आता रहता है, जैसे पब्लिक प्रोविडेंट फंड, सुकन्या समृद्धि योजना, सीनियर सिटीजन स्कीम, किसान विकास पत्र जैसी कई छोटी बचत योजनाओं के नाम शामिल हैं। इन स्कीमों को देश के अलग अलग वर्ग के ज़रूरतों के हिसाब से बनाया गया है। योजनाओं को आकर्षक बनाने के लिए सरकार समय समय पर इनकी ब्याज दरों में बदलाव करती रहती है। अगर आप भी पोस्ट ऑफिस की छोटी बचत योजनाओं में निवेश करने के बारे में सोच रहे हैं तो हम इन सभी योजनाओं के बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं। पहले नंबर पर है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के लिए पोस्ट ऑफिस की शानदार स्कीम का नाम है। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम इस योजना के तहत 60 वर्ष से अधिक के नागरिक जॉइंट खाते में 30 लाख रुपये जमा करके हर महीने 8.2% के ब्याज का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। वहीं सिंगल खाते में 15 लाख रुपये तक डिपॉजिट करने की अनुमति मिलती है। दूसरे नंबर पर है सुकन्या समृद्धि योजना। सुकन्या समृद्धि योजना बच्चों के लिए शुरू की गई सरकार की स्पेशल योजना में से एक है। इस स्कीम के तहत 10 वर्ष से कम उम्र की बच्चों के लिए पोस्ट ऑफिस में खाता खुलवा सकते हैं। इस स्कीम में आपको हर साल अधिकतम 1.5 लाख रुपये निवेश करने की सुविधा मिलती है। इसके बाद बच्ची के 21 वर्ष पूरे होने के बाद वह पूरे पैसे निकाल सकती है। जुलाई, अगस्त और सितंबर के महीने में 8% के हिसाब से ब्याज दर सरकार द्वारा तय किया गया है। नंबर 3, पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम। पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम के तहत आप पोस्ट ऑफिस में सिंगल या जॉइंट खाता खुलवा सकते हैं। इस स्कीम के तहत जॉइंट खाते में अधिकतम 15 लाख और सिंगल खाते में 9 लाख रुपए तक निवेश किए जा सकते हैं। सरकार ने जुलाई, अगस्त और सितंबर के महीने में योजना पर 7.4% ब्याज दर तय किया है। किसान विकास पत्र। किसान विकास पत्र योजना पोस्ट ऑफिस की एक और स्मॉल सेविंग स्कीम है, जिसके तहत आप कुल 115 महीने में की निवेश की गई राशि डबल हो जाती है। इस स्कीम में निवेश की सीमा कोई तय नहीं की गई और सरकार जुलाई, अगस्त, सितंबर के महीने में योजना पर 7.5% ब्याज ऑफर कर रही है। नंबर 5 पर पोस्ट ऑफिस RD स्कीम। पोस्ट ऑफिस रेकरिंग डिपॉजिट स्कीम भी शानदार छोटी बचत योजनाओं में से एक है। इस स्कीम के तहत हर महीने छोटी राशि निवेश करके आप बड़ा फंड प्राप्त कर सकते हैं। इस योजना के तहत 5 साल की RD स्कीम पर अधिकतम 7.5% का ब्याज दर ऑफर कर रही है। 6 नंबर पर है पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट स्कीम। पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट स्कीम के तहत आप 1 साल, 2 साल, 3 साल या 5 साल के लिए निवेश कर सकते हैं। यह बैंकों की FD स्कीम के समान ही है। इस योजना में निवेश करने पर आपको 7.5% के दर से ब्याज का लाभ मिलेगा। नंबर 7, पब्लिक प्रेविडेंट फंड। यह पोस्ट ऑफिस की लंबी समय की बचत योजनाओं में से एक है। इस स्कीम के तहत हर साल 500 रुपये से लेकर 1.5 लाख रुपये की राशि निवेश कर सकते हैं। वहीं योजना के तहत 7.1% ब्याज दर का लाभ भी मिलता है। दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।